नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेबी डिजिटल और मैं हूं काजल। उपराजधानी नागपुर में 2 साल बाद होने जा रहे शीतकालीन अधिवेशन के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। इस बार अधिवेशन के सुरक्षा बंदोबस्त में 7,000 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा SRPF की 7 टुकड़ियां, विशेष कमांडो और 12 बम निरोधक दस्ते शीत सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। हाल ही में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल दौरे के बाद अब नागपुर पुलिस विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहे शीत सत्र के लिए न सिर्फ नागपुर पुलिस के जवान बल्कि महाराष्ट्र के दूसरे जिलों से आए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की टीम भी नागपुर पहुंच चुकी है। इन सभी पुलिस कर्मियों को आज से ही शीतकालीन अधिवेशन के बंदोबस्त में तैनात कर दिया गया है। बंदोबस्त के साथ ही साथ इन पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य, खानपान एवं रहने के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। असेंबली सेशन 19 तारीख से शुरू हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा या ट्रैफिक और सभी विषय पे बंदोबस्त लगाई गई है। ये अंदाजन 7,000 पुलिस अधिकारी कर्मचारी इस बंदोबस्त में लगाए गए हैं। इसमें बाहर से भी आए हुए कर्मचारी अधिकारी हैं। 7 कंपनी SRPF की डिप्लॉय की जा रही है। सभी कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था, उनके हेल्थ की व्यवस्था और उनके बाकी वेलफेयर की जो इश्यूज़ हैं उसको ध्यान में रख के नियोजन किया गया है। सिक्योरिटी के इश्यूज़, VIPs जो आने वाले हैं, VVIPs आने वाले हैं, ऑनरेबल MLAs जो आने वाले हैं, सभी की सुरक्षा के बारे में योग्य उपाय योजना की गई है। VIPs की सुरक्षा के साथ ही साथ पुलिस के सामने नागपुर शहर की यातायात व्यवस्था को संभालना भी काफी चुनौतीपूर्ण काम होता है और पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इसकी भी पूरी तैयारी कर ली है। देखा गया है कि अधिवेशन के दौरान निकलने वाले मोर्चों की वजह से शहर के नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और इसी परेशानी से निपटने के लिए नागपुर पुलिस के यातायात विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को इस बात का पूरा भरोसा है कि मोर्चों के दौरान यातायात व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से सुचारू रहेगी। ट्रैफिक योग्य तरीके से रेगुलेटेड रहे, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। अंदाजन अभी तक 68 मोर्चेस की एप्लीकेशन हमारे पास आई है, उसकी डेली वाइज हम नियोजन कर रहे हैं और उसके बाद उनको रूट दी जाएगी, कहाँ से वो स्टार्ट करेंगे, कहाँ एंड करेंगे और क्या रूट रहेगी, उसकी नियोजन अभी शुरू है। हमें विश्वास है कि पूरी ये आयोजन, पूरा ये बंदोबस्त शांति तरीके से जाएगा। इस बार नागपुर पुलिस ने 4 मोर्चा पॉइंट और 5 स्टॉपेज पॉइंट्स बनाए हैं, जिनमें टेकड़ी रोड, सीताबर्डी, मॉरिस कॉलेज टी पॉइंट, इंदौरा और मंगलवारी सदर को शामिल किया गया है। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी होने के कारण श्री मोहिनी कॉम्प्लेक्स के पास इस बार मोर्चा पॉइंट नहीं होगा और ना ही आंदोलनकारी यहां रुक सकेंगे। वही मोर्चों के दौरान किसी तरह की झड़प और अव्यवस्था से निपटने के लिए भी पुलिस ने इंतजाम कर रखे हैं। हमने स्पेशल टीम्स, नेगोशिएशन टीम्स बनाए हैं जो मोर्चे के आयोजकों से ऑलरेडी अब संपर्क शुरू कर दिया है और किसी प्रकार का कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति निर्माण नहीं हो, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। हालांकि पुलिस विभाग ने सुरक्षा बंदोबस्त से लेकर यातायात व्यवस्था तक के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन बावजूद इसके अमितेश कुमार ने शहर के नागरिकों को हिदायत दी है कि वो 19 दिसंबर यानी अधिवेशन के पहले दिन भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। खास तौर पर राहटे कॉलोनी से RBI चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर यहाँ ट्रैफिक अधिक होने की संभावना है। 19 तारीख को जिस प्रकार के मोर्चे हैं उसमें ये परिसर में गर्दी रहेगी, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने बताया कि एयरपोर्ट रोड, ये वर्धा रोड जो है उसको लोग, ये स्ट्रेच जो है राहटे कॉलोनी से लेकर के RBI चौक, ये लोग अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। लोग पैरेलल रोड्स जो हैं उसको लोग यूज कर सकते हैं। इसकी डिटेल एडवाइजरीज समय समय पे जारी की जाएगी। हर बार की तरह नागपुर पुलिस अधिवेशन के बंदोबस्त के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। न सिर्फ सुरक्षा के इंतजाम बल्कि शहर की कानून व्यवस्था का जिम्मा भी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार पर है और इसी के मद्देनजर उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि किसी ने भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो उसकी खैर नहीं।
बहरहाल अब देखना यह है कि इन तमाम इंतजामों के बीच 2 साल बाद होने जा रहे विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन से नागपुर शहर और खास तौर पर विदर्भ को क्या हासिल हो पाता है।